अल्लाह वबरकातुहू। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 अपनी बायोलॉजी क्लास का स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10। कल हमने डिस्कशन किया था एनिलीड्स के कैरेक्टर्स पर। आज एनिलीड्स की क्लासेस को हम डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फाइलोजेनी एज यूजुअल आपको बात करेंगे। फाइलोजेनी मीन्स हमें पता है कि हमारे क्लासिफिकेशन बनाने की वजह किन करेक्टर की बेस पर ट्रीज बनाते हैं और डिवीजन करते हैं डिफरेंट फाइलम्स में, और फिर फाइलम्स के बाद क्लास, फिर फैमिलीज, फिर जेनरा, सो ऑन, फिर स्पीशीज। ठीक है, तो फाइलोजेनी हमारे पास हर ही जितना भी फाइलम है उसमें आपको क्लासेस मिलेंगी। लेकिन यहाँ हमने कल आपसे कहा था कि ये फाइलम एनिडीडा असल में आपके पास आ जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको इसकी क्लासेस के कैरेक्टर्स को भी अच्छी तरह से दिखाना होगा। इन ऑलमोस्ट 5-6 कैरेक्टर्स आप बता रहे हैं, ठीक है। और डायग्राम मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस अगर फाइलम्स के कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी डायग्राम हम नहीं बनाते, ठीक। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी बना ज्वाइन कर लिया करो, और कुछ ज्वाइन होकर वापस चले गए, वापस आने का वही वजह होगी कि नेट प्रॉब्लम होगा उनका। बेहतर करेगी हमारे साथ सब कुछ, नेट को भी बेहतर करे, हमारी जिंदगी, हमारी सेहत, हमारे आमाल, हमारी नेकियां सबको बेहतरीन कर, आमीन। मिन्हा ने पूछा है जी, लॉन्ग क्वेश्चन में एनिडीडा के साइलेंट फीचर्स कितने लिखने होंगे? तो मेरा बेटा जी है ना, आप सबके सब बड़के बच्चे जो हैं वो एक काम कर लें छोटा सा, और वो काम आपको लेकर जाएगा बुक की पेज नंबर 237 पर। 237 पेज नंबर बुक में एक चार्ट बना हुआ है आपके पास लैंडस्केप में, निकाल लीजिए जी। 237 एक चार्ट है आपके पास जो इस पूरे चैप्टर के जितने भी फाइलम्स हैं उनके करेक्टर्स का हमारे पास समरी है, यू है, ठीक। हाँ दुआ शेयर करूँ क्या? मेरे पास तो बन रही है, बच्चों में से किसी ने कहा तो नहीं कि सर अगेन कर दूँ। नहीं, ये काम कर आपने बॉस की भी शेयर है, कैंसिल करें, इधर है ऊपर है, ऊपर रिज्यूम शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये काम है तो शॉप शेयर करके दोबारा से कर दो, न्यू शेयर करना है। ठीक है जी, तो ये हम अपना बात कर रहे थे, तो हो गए सब, पहुंच गए 237 पर, ठीक है जी। 237 पर पेज नंबर पर, अरे मेरे बच्चे कितने एंट्री, आज क्या बात है, नेटवर्क सही नहीं चल रहा क्या? बार बार बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। पेज नंबर 237 पर आप देखेंगे अनिश्चा का नेट आज भी खराब लग रहा है, ठीक है जी। तो उसमें आपको ये जो लैंडस्केप पर नजर आ रहा, इसमें एग्जाम्पल तक सारे के सारे जर्नल फीचर्स हैं, जर्नल करेक्टर्स हैं।
के लिए एग्जाम्पल देगा ना, यानी मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको कंटिन्यू कर दूँ। पेज नंबर 237 पर लैंडस्केप में एक चार्ट बना है। इस चार्ट में जो कॉलम्स में आपके पास हेडिंग है नेम ऑफ फाइलम एंड अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ स्पीशीज, एक में वहाँ लिखा है, दूसरे में इस फाइलम का कॉमन नेम हेडिंग है, फिर थर्ड में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बेटा मैंने पेज नंबर बताया है 237। और कहा क्या बोल रहा है बेटा, मिस्ड क्यूटिकल और क्या बता दें, सिलियम बता दें, अभी बता देते हैं चार्ट के, पहले बता दें अलिशबा की किस्मत आज भी खराब, अल्लाह ताला रहम करे अलिशबा पर। के जनाब सर आपकी आवाज़ मेरे पास आज भी खराब और मेरे पास नेट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हो, डिस्कनेक्ट हो गए फिर कनेक्ट हो जाते हो, नहीं हमारी तरफ से नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपको डिस्कनेक्ट करिए, मैं रिमूव कर सकता हूँ ना आपको, मैं तो रिमूव नहीं कर रहा था और मैं तो अगर एक बार रिमूव कर दिया तो दोबारा तुम क्लास में आ भी नहीं सकते जब तक मेरी तरफ से एंट्री नहीं होगी, तो हम तो रिमूव नहीं करेंगे, हम तो उसी बच्चों को रिमूव करेंगे कि जो ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, ठीक है ना। अब देखो ना प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे सही करूं, मेरे पास अपने जो चेक करने के लिए लोग बैठे हैं वो उनके पास आवाज़ बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है, ठीक ठाक आ रही है। अब अगर क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे हमारे स्टूडेंट इस वक्त है ना पार्टिसिपेंट 22, तो इन 22 में से दो लोग तो हम हैं, यानी कि एक मैं हूँ और एक आईटी का बच्चा, आईटी का बच्चे से मुराद है कि वो भी लॉग इन हुए हैं आईटी वाले, और वो उसे मेरे काम को देख रहे होते हैं ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा शिकायत कर रहा है तो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, या हमारी तरफ से अगर है तो हम उसको ठीक करेंगे ना। लेकिन अगर कोई मिसाल सपोज कि हमारी आवाज़ सही है तो फिर अभी मरियम मैं हम तक कोई 5-6 बार शायद लॉग इन हो चुकी है, तो अब ये प्रॉब्लम आपकी हमारे साथ नहीं है, यानी हमारी साइड से नहीं है, तो इसमें फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम क्या करें। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि आज सब खैरियत से हो जाए और हम कल सुबह अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमतों के साए में अपनी आँखें खोलें, ठीक है जी। आयान हुसैन अपनी वीडियो बंद कर दो, तो मैं बंद कर देता हूँ यार, वो वीडियो वैसे भी नहीं दिखाया करो भैया, उस वक्त बड़े बुरी हालत में होते हैं आप लोग माशाल्लाह से, हैं तो तस्वीरें या पिक्चर या मूवीज़ आप लोग बेचारे सो के उठ रहे होते हैं, कोई जो है ना, खैर हमें शेयरिंग नहीं करनी वीडियो और ना ही स्पीकर और माइक ऑन करना, तो भैया सब आ जाओ वापस 237 पेज नंबर पर, और 237 पर फिर गई फिर आई पेज नंबर 237 पर पहली हेडिंग मैंने आपको बताई नेम ऑफ फाइलम अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ स्पीसी, नेम कॉमन नेम फाइलम्स के, फिर उसके ऊपर हेडिंग लगी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हेडिंग लगी है सिमेट्री की, फिर फैट ऑफ ब्लास्टोफोर, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बॉडी कैविटी, और फिर एग्जाम्पल। यहाँ तक की जो हेडिंग्स हैं वो एक्चुअल सारे के सारे फाइलम्स के जर्नल करेक्टर आपको बताया जा रहा है। और आगे चलते हैं जो आखिरी हेडिंग है डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर, तो इस चार्ट को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताना है, तो बता रहा हूँ बोलते, और उसमें हमारी एग्जाम्पल तक जो है वो जर्नल करेक्टर्स आप हेडिंग लगा सकते हैं, अलग अलग 2-3-4-5-6-7 हेडिंग को
यूजुअली यही हो जाता है। ठीक है, हर फाइलम में हर फाइल ईच फाइलम एटलीस्ट हैव 7 जनरल हेडिंग्स। अब उसमें आप एडिशन कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हैबिटेट, 4 और ऐड, तो 7 × 4 = 11 हेडिंग। फिर हम अलग हेडिंग लगाते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर या साइलेंट फीचर्स। उसमें आप देख सकते हैं, अगर हमें लीडर की बात करें तो मैंने लीडर पर आ जाए थोड़ी देर के लिए, नंबर 5 पर और 5 की आखिरी हेडिंग। तो आपने इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन जरूर बतानी है, इसकी सीटी, इसका पैरापोडिया, इसके सकर्स, ये इसके डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर। एक कॉमा में लिखे हैं, एक एक वर्ड लिखा हुआ, एक एक वर्ड जो है वो असल में कैरेक्टर की तरफ इशारा करता है। क्लियर जी मेरे बच्चे? अच्छा जी, अल्लाह खैर करे। तो फाइलोजेनी में हम ये कहते हैं कि हमारा जो एनिलीड्स है वो बन गया, अराइज हो गया। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल भी शायद रेफरेंस दिया था 192 पेज नंबर पर, आपसे कहा था कि थोड़ी थोड़ी देर में आप बेशक उस ट्री को देखते रहा करें। तो फाइलोजेनी का मेन प्रोसेस आपको नजर आए, मेन ये तो होल एनिमल की फाइलोजेनी है ना। अब अगर अलग अलग फाइलम की या क्लास की फाइलोजेनी करना है तो भी ऐसा ही ट्री बनेगा। तो आपने कहा कि जनाब हमारा जो आखिरी थोड़ा बहुत अच्छा डेवलप, क्योंकि उसमें कॉल्यूमेट्स हैं सारे के सारे, और कॉल्यूमेट्स में आपके लेफ्ट और राइट दो लाइंस जा रही हैं, और लेफ्ट साइड पर आप कहते हैं एनिलीड्स और आर्थ्रोपोड्स, और राइट हैंड साइड पर ड्यूट्रोस्टोम ऊपर हेडिंग लगी है जिसमें कॉर्डेटा और एक आइंडरमेट। तो प्रोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम में भी हमने डिफरेंस किया था, वहां पर हमने आपसे कहा था कि अगर स्प्लिट हो जाए कौन ब्लास्टोमिया और वो माउथ और एनस फॉर्म करते तो वो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, जबकि स्प्लिट होने के बावजूद वो सिर्फ माउथ बनाए और एनस कहीं और से बने तो वो प्रोटोस्टोम्स। एनिलीड्स सिलिएंट्रेट्स है, सॉरी कॉल्यूमेट है, लेकिन प्रोटोस्टोम्स। अब हम एनिलीडा की अगर फर्दर बात करेंगे, यानी कि फाइलोजेनी बनाने जाएंगे, तो फाइलोजेनी बनाने के लिए आपको किसी एक करेक्टर का सहारा लेना पड़ता, कोई एक स्पेसिफिक करेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो स्पेसिफिक करेक्टर है वो यहाँ मौजूद उसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिकली हम बात करते हैं कि पॉलियोकेटा, पॉलियोकेट इसकी क्लास है ना, उसकी बात सीटी होती है। सीटी मिनहाज ने पूछा सीटी क्या है, सीटी सीटी थ्रेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत छोटे से, और वो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पे काम करते हैं। किनके? एनिलीड्स के, एनिलीडर। सीलिया का लफ्ज सुना, सीलिया, सीलिया तो बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक है ना, इसी तरह से हमारे सीलिया से बड़े थोड़े से, मगर वो भी माइक्रोस्कोपिक होंगे, मगर सिंगल नहीं होंगे, आपको वो नजर नहीं आएंगे। माइक्रोस्कोप या बाइनोकुलर में आप देख लें, लेंस से भी देख सकते हैं आप, क्योंकि वो सीलिया से बड़े हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। Polychaetes, the most ancient annelids, are supposed to have evolved from a primitive flatworm. वो कहते हैं कि हमारे जो annelids में खास तौर पे Polychaeta की क्लास है,
वो बनी होगी, मे बी इवॉल्व हुई होगी, इवॉल्व हुई है सर। इसमें कुछ डाइवर्जन आ जाती है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रीजन पेश करते हैं। मैंने 8 बार रिकनेक्ट कर लिया है सर अलिशबा, मैंने तो तुम्हें पहले कहा था मेरे बच्चे तुम्हारी किस्मत पता नहीं कैसी चल रही है, आज कल की तरह ही चल रही है। कुछ सदका वदका दो, तुम कोई अपने सर के लिए चॉकलेट वॉकलेट भेजो, या हम ऊपर चील कौओं को कोई गोश वोश खिलाओ। मैं अवैज भाई को बुलाता हूँ, उनसे डिस्कस कर लेता हूँ आपकी बात। तो उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या मशवरा देते हैं आपको। तो मेरा भाईजान, हमारी बच्ची कल से किस्मत खराब चल रही है, तो इसका कोई हल है? आज भी वो बेचारी 8 बार कनेक्ट हो गई है, मगर उसको आवाज में प्रॉब्लम है और तस्वीर में प्रॉब्लम। अब मैंने तो उसको ये समझाया, बेटा ये तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, लेकिन वो कह रही नेट शेट मेरा सही चल रहा है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तो बेटा अलीबा, तुम्हारे लिए यही मशवरा है सर, अवैस कह रहे हैं कि आप जो है ना एक दिन यहाँ आ जाएं कल, तो यहाँ बैठ के ज़रा चेक कर लें आपका जो डिवाइस है ना, डिवाइस यानी कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रही हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रही हैं या मोबाइल है या टैब है, और उसके साथ आप अपने एसेसरीज लेकर आ जाएं, यानी जो भी माइक और हैंट्री आप यूज़ कर रही हैं, टूल यूज़ कर रही हैं, वो आप लेकर आ जाएं। तो उसको बेटा यहीं बैठकर जब चेक करेंगे ना, तो पता चलेगा क्या मसला है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म जो मेरीन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू हम ये कहते हैं कि पॉलीकेट्स बने होंगे। फिर इसी तरह इनकी एक और क्लास है ओलीकेटा। ओली माने होता फ्यू, थोड़े से। पॉली माने होता मैनी, खेटा मीन्स होता सीटी, प्रिमिटिव मीन्स होता है पुराना। फाइलोजेनी का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, फाइलोजेनी यहाँ पर हमारी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको क्लासेस के कैरेक्टर भी लिखने होते हैं। एनिलिडा का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एनिलिडा के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उसके क्लासेस के कैरेक्टर भी लिखने, ये हमने बताया था। ठीक है जी। तो ओलीकेटा मींस की कोर क्लास इवॉल्व फ्रॉम द पॉलीकेट्स, वेयर A leech evolved from a poly. अब इसमें क्या हो रहा है जी, हम क्लास में भी आपको दिखाते हैं। पॉलीकेटा में बहुत सारे सीटी, मैनी सीटी। सीटी इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ एनिलीड्स। जैसे हमारे पांव, ये बारीक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीटा या सीटी कहते हैं। ठीक है, इनमें हमारा पॉलीकेटा में क्या मतलब, पॉलीकेटा में बहुत सारे हैं, ओलिगोकेटा में फ्यू, थोड़े से। ओलिग मीन्स फ्यू। और तीसरी जो क्लास बनेगी हर्डोनिया, उसमें ये बिल्कुल नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, है ना। ओलिगोकेटा चीटा नहीं पड़ेगा उसमें, केटा पड़ेगा, ओलिगो, ओलिगो माने फ्यू। ठीक है जी। तो फाइलोजेनेटिकली हमारे एक के बाद एक क्लास बननी होगी, पहले बहुत सारी सीटीज होंगी उनकी, फिर उसके बाद सीटीज कुछ कम हो, फिर उसके बाद गायब हो। तो मैंने आपको पहले कहा कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो किसी एक करेक्टर को आप बेस बना रहे। कई बार मैंने आप लोगों को आसान सी मिसालें दी, आप लोग जब छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से होते थे, तो आप नर्सरी में बच्चे बेचारों को सुबह ही सुबह उठाया जाता था और वो रोते धोते क्लास लेने जाते थे। अब वो बच्चा क्या पढ़ेगा, वो बेचारा आंखें मल रहा है, रो रहा है, और फिर उसके बाद उसको पेंसिल पकड़ाई, पेंसिल तो पकड़ने नहीं आती, पकड़ेगा कहाँ से। अब अगर आपको उस वक्त
डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे देते तो क्या होता, हमारा ही बुरा हाल हो जाता, हम तो नहीं पढ़ा सकते थे आप। आपको वहां क्यों रखा गया? क्योंकि आपका करेक्टर, आपकी जो प्रॉपर्टीज थी काम करने की, लिखने की, याद करने की, वो तो है ही नहीं, तो आप क्या है, प्रिमिटिव है। फिर आपकी प्रिमिटिव करेक्टर्स में कुछ चेंज आया होगा, आपको पेंसिल पकड़ना आई, 1 2 3 लिखना सिखाया मिस ने, पहले वो डॉटेड तरीके से वो आपने बनाना शुरू किया, शेप बनाना शुरू की। फिर आप 2 में आई तो आपको डॉट हटा दिए, अब आप खुद लिखने लगे, तो आपके करेक्टर क्या होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। और अब माशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में आ गए, दाढ़ी मूछें निकल आई, और प्लस सेंटेंस खुद बना सकते हैं, याद भी बहुत बड़े बड़े पैरा कर सकते हैं, और अपनी तरफ से बहुत कुछ एडिशन भी कर सकते हैं माशाल्लाह। आप कहाँ हो गए जी, अब आप सुपर, अगर हम इंटर तक की बात करें सर, आगे की ग्रेजुएशन की बात ना करें, तो आप इस वक्त क्या हो गए, सुपर क्लास में पहुंच गए। तो इस तरह एक के बाद एक ट्री बनता चला जाता है बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहां पर हमने जो करेक्टर बनाया, इसकी क्लासेस को सेपरेट करने के लिए बेस्ड है उसमें सीटी। सीटी कैसा होगा, सीटी होगा या सीटी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास, आपके पास बुक में डायग्राम बनी है, लेकिन चूंकि ये वैसे थोड़ा सा खूबसूरत लगता है हमें, अच्छा ऐसी कई स्पीशी हैं जो हमारे अपने ये जो हमारा साहिल है मनोरा, मनोरा के साहिल पर आपको ये मिलेगा, लेकिन वो सिंपल होता है, मतलब लाइट सा कलर होता है उसका, कलरफुल नहीं होता, क्यूसी शोर का है ना, लेकिन जो थोड़ा सा आगे रहते हैं वो बड़े कलरफुल होते हैं माशाल्लाह से। ये निरेज है ये वाला, और ये हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल फ्लावर, ठीक है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। तो अब हम पहली क्लास की तरफ चलते हैं। पॉलीकेटा, पॉली मीन्स मैनी, केटा मीन्स सिटी। दे आर यूजुअली फ्री लिविंग एक्टिव स्विमर, ट्यूबी कोलोसस ट्यूब, ट्यूब ट्यूब की तरह फॉर्म मोस्टली। तो ये हमारे फ्री स्विमर हैं, फ्री स्विमर से मुराद है कि ये पैरासाइट वगैरह नहीं। एक्टिव स्विमर से मुराद ये कि बड़ी दिन रात अपना मूवमेंट में रहते हैं। और ट्यूबी कोलोसस यानी कि ट्यूब का स्ट्रक्चर, नाली की तरह, और ज्यादातर ये आपको समंदर, ऑलमोस्ट सारे ही समंदर, ये कन खजूरा नाम है यार, इस बार क्या हो गया, कन खजूरा ऐसा होता है यार, ऐसा खूबसूरत होता कन खजूरा, कन खजूरा भी दिखाएंगे, कन खजूरा जाएगा आर्थ्रोपोडा, ये हम पढ़ रहे हैं एनिलिडा, ठीक है। आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा उसमें, उसमें आपको कहाँ बनी है ये आपको बता दूं, पेज नंबर 207 पर जो पहली डायग्राम है निरेस, ठीक है, वो है कन खजूरा नहीं, सेकेंडरी का मतलब है एक जगह रहने वाला रुका हुआ, और फिल्टर फीडर का मतलब है फिल्टर करने वाला, यानी मिट्टी मुंह में डालकर उसको फिल्टर करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं, बाकी वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। सिटी मीन्स होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, मगर बहुत छोटे से, और ये लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ द एनिलिडा,
they may be carnivorous scavengers or filter feeders. ये कार्निवोरस हो सकते हैं, गोश्तखोर स्केवेंजर्स हो सकते हैं, बचा हुआ किसी शिकारी का खाना वो खाने वाले, और फिल्टर फीडर जैसे भी हमने आपसे कहा कि मिट्टी को फिल्टर करते हैं। मिट्टी कौन सी, वो समंदर की, समंदर में ना। दे पॉसेस पेयर्ड लेटरल फ्लैप लाइक फ्लैशी पर्पल सिटी और खेटा, विच आर यूज फॉर लोकोमोशन। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मैं कलर कर दूंगा, हाँ कलर होगा, हाँ ये 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 ये, ये, ये। इन्हें कहा जाता है पैरापोडिया। ये असल में बने हुए कैसे हैं, आपको ड्राइंग थोड़ी सी मे बी प्रैक्टिकल अगर होता तो आप वहाँ भी बनाते नरेश को। इसमें आपके ये इसकी बॉडी है, ठीक है जी, बाहर चल जाए भाई, बात सुना एक मिनट बेटा, होल्ड कीजिए। ठीक है जी, तो ये बॉडी वॉल है ना, सपोज ये जो बॉडी है इसकी, ये इसमें इस तरह से बारीक धागे जरा क्रॉस कर जाते, एक्स शेप बन जाती है। ये हमारी नजर आ रही है वाजी तौर पर, मैंने डॉट लगाए ब्लू कलर में, ये इसे आप कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया मैंने बताया था ना, बिफोर लेग, पोडिया मीन्स होता है लेग्स और पैरा मीन्स इनिशियल या अंडर, तो ये पैरों की तरह काम करते हैं मगर उनकी तरह बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। सवाल आया जी, क्या है जी, असल में सर मेरी आपकी आवाज़ बहुत मुश्किल से सुन पा रहे, इसी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो आवाज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि बेटा तलीबा सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा ना मसला, तो इसलिए वो मैंने आपसे कहा है कि आप जो है ना अपनी डिवाइसेस, मैं भी आपको मैसेज भी कर दूंगा, डिवाइस जो है ना आप लेकर कर ला जाएं कॉलेज कोचिंग, ठीक है, तो फिर आप इजीली यहाँ पर हम आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे। मैंने अवैध साहब से बुलाया था अभी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है आई टी में, तो इसलिए अलीफा को यही मशवरा है हमारा कि आप अपनी डिवाइसिस और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके लाइक हैंड फ्री या हेडफोन वो आप लेते हैं। तहा आए और तहा ने बोला चार्ट के बारे में डाल, बेटा कौन से चार्ट के बारे में, चार्ट जो 237 बना तो उसमें एग्जाम्पल तक आपके जनरल कैरेक्टर्स हैं और डिस्टिंग्विश कैरेक्टर आखिरी जो हेडिंग लगी है वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं, तो सात हेडिंग्स तो आपकी वही आ जाएंगी किसी भी फाइलम की अगर कैरेक्टर लिखने बैठेंगे ना, तो सेवेंथ हेडिंग तो वही आ जाएगी जनरल, और आखिरी जो हेडिंग है डिस्टिंग्विश कैरेक्टर उसके अंदर फिर जो कॉमास बने हैं, तो कॉमास का मतलब है एक एक अलग अलग हेडिंग बना सकते हैं आप। फिर उसके अलावा जनरल कैरेक्टर में नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हैबिटेट्स, इनकी हेडिंग भी आप लगा, ठीक है। पैरापोडिया का मतलब होता है जी, तहा 237 तक, पैरापोडिया का मतलब होता है कि हमारा पांव की तरह काम करने वाला मगर इनिशियल स्टेज, पांव की तरह काम कर रहा है, चल रहा था ये, इससे चलता है लेकिन ये पांव नहीं है, इसलिए हम इसको पैरापोडिया कहते हैं, ठीक है जी, आप देख भी सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें सीटी जो है वो इस तरह क्रॉस कर रहे हैं बंडल, तो उन्होंने आपको छोटे छोटे से जो नजर आ रहे हैं वो विजिबल, उसे यूज किया जाता है एज अ लोकोमोशन मूवमेंट।
ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलें। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड, इसका मतलब है कि इसमें मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी, ठीक है। कुछ क्लास में जरूरी नहीं कि एक ही फाइलम में एक कैरेक्टर सेम चल रहा हो, इसमें अलग अलग भी हो सकता है, वो दिखाते हैं। डेवलपमेंटल स्टेज पास थ्रू द ट्रोकोफोर लार्वा, अभी हमने नीलिया कैरेक्टर में पढ़ा था कि उसमें ट्रोकोफोर लार्वा होता है, तो ट्रोकोफोर लार्वा इसमें पॉलीकीटा में, ये नरेज है, ठीक है, और ये सबीरा, तो पॉलीकीटा की एग्जांपल है। आप लोगों को खाने की आवाज आ रही है तो समोसा खा रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी क्लास की तरफ पढ़ें। ता पैरापोडिया का मतलब है अनडेवलप्ड लेग, पैरा मींस होता बिफोर, पोडिया मींस होता पांव, ठीक है जी। मजा आता क्या, समोसे मंगाने हो तो चाय बाद में मंगाया गया और क्या, समोसे पहले मंगा लिए थे। अच्छा जी, ये तीसरी क्लास आपकी बुक के मुताबिक हमने आज दूसरी में डाल दिया, नंबर टू में, क्लास हार्डुनिया। हार्डुनिया दे लिव यूजुअली इन फ्रेश वाटर, ये आमतौर पर मीठे पानी में मिलेंगे। इसके मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग हैं, लेकिन कुछ प्रीडेटर्स हैं और कुछ एक्टोपैरासाइटिक भी। किसके? वर्टेब्रेट्स के एंड इनवर्टेब्रेट्स। और इसमें बड़ी मशहूर चीज आपको मिलेगी, जोंक, वो इसी क्लास का मेंबर है। द पैरापोडिया एंड सीटी आर एब्सेंट, अब ना इसमें पैरापोडिया है ना इसमें सीटी है, मगर उसकी जगह पर क्या हुआ, उसकी जगह पर सकर्स, सकर जायसी बात इसमें होंगे, ये एक्टोपैरासाइट है तो खून चूसने के लिए तो अटैच करेगा और सकिंग करेगा। द नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इन बीच इज फिक्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले है हमारे इस पार्ट का, क्योंकि लीच जो है ना वो पूरी, उसका नाम भी हर्डिना भी रखा जाता है, और ये लीच में हम देखते हैं कि सेगमेंट बड़े फिक्स हैं, डिफरेंट हालांकि स्पीशीज है ना शेप में साइज में, लेकिन सेगमेंट की बारी में उनके 34 ही चल रहे हैं, ठीक है। पहली क्लास हमने पॉलीकीटा पढ़ी थी, तो हमने कहा था जी वो सेक्सेस आर सेपरेटेड, यहाँ पर क्या है, दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कौन है? हर्माफ्रोडाइट होते हैं जो एक ही एनिमल के अंदर बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो हार्डुनिया क्लास है इसमें एक ही एनिमल में दोनों चीजें मौजूद है। देयर इज नो लार्वल स्टेज, यहां पर कोई लार्वल स्टेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेरिस्टन है आमतौर पर, फ्रेश वाटर है, इसमें हमारी हार्डुनेरिया या लीच, ठीक है, जो हमारी कॉमनली आपको नजर आती है, ये हम देख सकते हैं डायग्राम में ब्लड सक करते हुए। अच्छा ये याद रखिए कि एनिमल जैसा भी हो
उन्होंने बोला जी सीटी क्या होता है फिर से बताते हैं, फिर से बता देते हैं जी। और कहानी में फिर कहा था पीडेटा, पीडेटा का मतलब बेटा होता है शिकार करना, शिकार होता है ना ज्वाइन, तो वो पीडेटर कह रहा था, शिकार करके खाने वाला। ठीक है, सीटी जो होते हैं उसका मतलब होता है ये जो हमारे इसमें तो सिटी है नहीं ना, सिटी आर एब्सेंट इन हर दुनिया। ओलिगो गीता में ओलिगो फ्यू सिटी थोड़े थे, तो अर्थ मोमेंट तो उसमें सिटी जो है वो थोड़े से होते हैं, सिटी थ्रेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत छोटे माइन्यूट से, यानी आप उसको बाइनोकुलर नहीं देख सकती, नेकेड आई से नजर नहीं आए। ठीक है, और ये लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ एनिडीड्स है, एनिडीडा के लोकोमोटिव। अगर ये बड़े होकर आपस में बंच बना लें तो दैट इज कॉल्ड पैरापोडिया, पैरापोडिया में सीटी से ही बनता है। ठीक है जी, तो ये डीज की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ये इसका जो ओरल शकर पूरा बना हुआ था ओरल है ये माउथ, और ये इसके नीचे शकर लगे थे, ये वाला हिस्सा पूरा, बाकी बॉडी तो फ्री है, और इसके आखिर में इसके और सकर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो सक ब्लड नहीं करते बल्कि वो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, अटैच करने के लिए यूज होते हैं। तीसरी क्लास में चले तो ओलिगो केटा, ओलिगो मीन्स फ्यू, केटा मीन्स एज यूजुअल सिटी, तो ओलिगो केटा यूजुअली टेरिस्टल या आमतौर पर टेरिस्टल्स होते हैं, फ्री लिविंग है और बोरो करके जमीन के अंदर रहने की कोशिश करेंगे, तो जमीन के नीचे मॉइस्चर जगह होती है, इनको वहां रहना। क्योंकि इनकी स्किन मॉइस्चर है, और ये ड्राई लैंड पे रहे तो इनकी स्किन ड्राई हो जाएगी और ये मर जाएगी। दे मे बी स्कैवेंजर्स एंड हर्बीवर, ये स्कैवेंजर्स भी होते हैं, बचा कुचा खाने वाले या फिर प्लान वगैरह वो खा लेते हैं, मगर में पैरासाइट भी। ठीक है, ना एक तो ना एंडो, क्लास ओलिगोकेटा में पैरापोडिया इन ओलिगोकेटा आर एब्सेंट, पैरापोडिया नहीं होंगे, बट सिटी विच आर फ्यू इन नंबर कंपेयर टू पॉलिगीटा, पॉलिगीटा से कंपेयर करें तो यहाँ पर सिटी बहुत कम होंगे, पॉलिगीटा में बहुत ज़्यादा थे। ऑल आर हर्माफ्रोडाइट, हमारा ये है ना अर्थवर्म, इसको आप अभी जो नहीं सेकेंड ईयर में डायसेक्ट करके इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालते हैं, तो एक ही अर्थ फॉर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होंगे, लाइक टेस्टीज, वेसाइकल्स, ठीक है, एफ्रेंट्स और एफ्रेंट वासा, और उसी एनिमल के अंदर आपको ओवरीज भी मिलेगी, ओविडक्ट भी, ये हर्माफ्रोडाइट ही होती है। देर आर नो लार्वा स्टेज, इनमें भी लार्वा स्टेज नहीं, हर्माफ्रोडाइट है, लार्वा नहीं बनेगा, मगर इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑल ऑफ द ओलिगेट डेवलप इन सम सेगमेंट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉर्ड क्लैटिलम, ये एमसीक्यू लगा लीजिए। बोरो बेटा जमीन के अंदर घूमने वाले, जमीन के अंदर वो बनाकर बिल बनाकर रहने वाले, फेरिटीमा वो डायग्राम बनाया मैंने, अच्छा चलो अच्छा वो फेरिटीमा, यानी ये अर्थवर्म के आप डायग्राम के मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उसका जो एक करेक्टर है जो हमने यहाँ आपको दिखाया वो दिखा दूँ, ये हमारे अर्थवॉर्म के सेगमेंट्स, हम जाहिर सी बात है यहाँ तो अच्छे नहीं बन सकते। ठीक है, इन ये 20, मैं 20 तक नहीं बना रहा, नंबर लिखता हूँ 20, अगर अर्थवॉर्म एडल्ट है
तो 20 के बाद एक ब्राउन कलर का कॉलर बनाओ, ठीक है। ये कॉलर प्लाइटिन का है, ये निशानी है कि जी ये अर्थ फॉर्म मैच्योर है। इसके बाद फिर वो दोबारा सेगमेंट शुरू हो जाएंगे, वो फर्दर और वो फिर अपनी लेंथ तक जाएंगे जहां तक उनकी लेंथ, ठीक है। क्योंकि ये वो जगह होती है जब हम डाइसेक्ट करेंगे ना, तो सेकेंड ईयर में अभी तो नहीं करना, तो इसमें से आपको दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है। एमसीक्यू क्या लगाना है, एमसीक्यू ये लगाना था ना, ये भाई एमसीक्यू लगा लें भाई, क्राइटीनम, ठीक है। ये जो बना ये, तो ये बात हो गई हमारे तीन क्लासेस हमारी आपने डिटेल से बता दी। और अब इसमें जैसे हमारे किसी स्टार्ट में सवाल पूछा था कि सर इन क्लासेस के करेक्टर कितने होंगे, तो 5-6 करेक्टर्स। अब इसमें आप जनरल करेक्टर फाइलम के नहीं डालें, बेशक वो काम आप डाल सकते हैं, लाइक आप कहें ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, लेकिन मसला क्या होगा, बड़ा तो हो जाएगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, वो हम फाइलम के करेक्टर में डाल। यहां पर क्लास को क्यों बनाया गया वो वाजे करना होगा। तो आप ये करेक्टर हेडिंग वाइज आपका, इसका हैबिटेट, इनहैबिटेट, इसका आपका हो गया फीडिंग, इसका हो गया लोकोमोटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव और ये स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है जनाब। एनिलिडा का हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं आपको, तो बुक में हमारे पास 207 पर नीचे देखिए सबसे आखिरी है, एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन एंड सिलियोम, क्योंकि ये सिलियोम या ट्रू बॉडी कैविटी के साथ है ना एनिमल, इसका क्या एडवांटेज है, कभी पूछा नहीं गया लेकिन हम फिर भी इसको याद कर लेते हैं और बहुत आसान सा है। इसके ऊपर आप देखिए तो आपको इम्पोर्टेंट नोट नजर आएगा, अ सब्सटेंस इन अ डीच सलाइवा कॉल्ड हायरोडिन प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, ये केमिकल है हायरोडिन, उसी के नाम से रख दिया ना, लीच के नाम से, है ना, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले इससे वहीं से निकाला। पेज नंबर 207, सबसे पहले हमने एक केमिकल निकाला था जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, और ये बड़ा जरूरी था, बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, खास तौर पे अगर हार्ट अटैक हुआ हो किसी को तो उसका ब्लड अगर बहुत थिक है तो इसका इंजेक्शन लगाने से वो ब्लड जो है वो ज़रा पतला हो जाए। कैसे पता चला, असल में जब ये चोंक या लीच किसी एनिमल को सक करने लगती है ब्लड, तो इसके स्लाइवा से
हर्डिन केमिकल निकल कर हमारी स्किन और जहाँ से ये सक करना चाहती है ब्लड वहाँ तक फैलता है और आसपास के एरिया के जो ब्लड है हमारी स्किन का उसको पतला और अनक्लॉट कर देता है, यानी वो जमेगा नहीं, पतला हो जाएगा तो पीने में ज़्यादा तेजी से पी लेगी, ज़्यादा पी लेगी और जमेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसके मुंह में इसकी जो कैनाल है वहाँ जाकर क्लॉट नहीं करेगा, तो ये बेनिफिट इसको मिलता है। और ये उसी केमिकल जो इसके पास अपना है और हमने उसे फाइंड करके फिर बाद में इस्तेमाल किया है और हम उसको मुख्तलिफ डिजीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पर हार्ट की डिजीज। ठीक है, तो एडवांटेज जो सेगमेंटेशन का है तो वो आप देख सकते हैं, अगर सेगमेंट होता है ना तो सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर हमने कहा था मेटामेरिक, तो मेटामेरिक का मतलब है कि उस सेगमेंट के अंदर उसके ऑर्गन मौजूद हैं, पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, तो इससे उनको बेनिफिट होता है। स्विम करने में, कहीं पर ज़मीन के अंदर जाने में, भागने दौड़ने में, और फिर ये सेगमेंटेशन अलग अलग पीस के तौर पर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियां तो होती नहीं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन किसका क्वेश्चन बता दिया, एनालिटिक का, एनालिटिक का बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन, ये मुझे बेटा पहली चीज समझ में आई था तुम्हारी, तुम क्या कह रही, मिस्ड क्यूटिकल कह रहे हो, मिस्ड क्यूटिकल कौन सी चीज, कहीं पे स्पेलिंग आगे पीछे हो गई होगी, अगर मेरी स्लाइड से कहीं से लिया है तो देख लो कहाँ से बता रहे हो। और सिलियोम तो हमने बात की, क्योंकि सिलियोम होता है जब ट्रू बॉडी कैविटी को हम सिलियोम कहते हैं, और ट्रू बॉडी कैविटी फॉर्म होती है हमारे किससे, हमारे मीजोडर्मल लेयर की स्प्लिट होने से। तो तुम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में लिख क्यों मुझे लेके अभी का बताया मैंने, मैंने अभी आपको सेगमेंटेशन पर बात कर, अब बताता हूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट अगले पेज पर है 208, वहाँ पर सिर्फ उसे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है शॉर्ट में 2 मार्क्स के लिए, राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनीलिडा, राइट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनीलिडा। ठीक है, सबसे अच्छा सबसे बड़ा जो फायदा है उस बेस पर अर्थ वॉर्म्स हेल्प फार्मर्स बाय कंटिन्यूसली प्लगिंग द सॉइल एंड एड नाइट्रोजन वेस्ट, this making the soil more fertile, ये क्या कर रहा होता, प्लगिंग करना कैसे कहते हैं यार, आप लोग कभी पार्क वार्क पर बैठे हो तो बैठे हुए बातें करते रहते हैं और घास खींचते रहते हैं, नोचते रहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लगिंग करना। तो ये सॉइल को, जब सॉइल के नीचे होता है, ऊपर नहीं होता, सॉइल के अंदर की तरफ मूवमेंट डीप है, पैरेलल मूवमेंट करता था। प्लगिंग का मतलब है कि मट्टी को खा रहा होता है, निकाल रहा होता, बहुत तेजी से खाता जाएगा और एनएस निकालता जाएगा, उस दौरान में ये कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी बाहर निकालेगा, प्लस पूरी तरह से सॉइल को फिल्टर तो नहीं कर पा रहा होगा, तेजी से कर रहा है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स और भी अच्छे इंपॉर्टेंट बच जाते हैं, तो वो भी खेत में आ जाते हैं, लिहाजा ये फार्मर फ्रेंड भी कहलाता है, फार्मर का दोस्त, क्योंकि खेत में इसे डालना ज़रूरी होता है, अगर खेत में हमारे अर्थवॉर्म ना हो
तो फार्मर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक तो ज़मीन सख्त हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सॉफ्टनेस पैदा करने के लिए फॉर्म नहीं है, और दूसरा वन जो नाइट्रेंट्स के कंपाउंड हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी थे वो बेचारे कम हो जाते हैं, इसलिए इनको हम फार्मर फ्रेंड कहते हैं। और अगर खेत में ना हो तो हमें डालने पड़ते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज अ फिश बैट। आप लोग अगर शिकार करने जाते हैं, फिशिंग करने जाते हैं, मैं तो फिर कभी नहीं गया तो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। सारी रात बैठ रहे हैं और एक मछली पकड़ कर लाए, लेकिन वो शौक शौक है। तो उसमें फिश बैट मछली के शिकार करने के लिए जाल जो बिछाया जाता है, तो एक तो जाल होता है, एक हम छोटी सी जो है वो एरो स्ट्रक्चर होता है, एस शेप का होता है, तो हुक लाइक वो लेकर हम फिश थ्रेड पर बांधते हैं और फिर उस पर हम जिंदा अर्थवॉर्म बेचारे को लगा देते हैं, तो पानी में डाल देते हैं। अब पानी में अर्थवॉर्म मिलता जुलता है तो मछली जो कार्निवोरस फिशेज होती हैं वो उसको देखकर खाने के लिए आती हैं और हम मछली पकड़ते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन लेबॉरटरी फॉर डाइसेक्शन एंड अदर रिसर्च एक्टिविटी। आप लोग इसको डाइसेक्ट करते हैं, सेकेंड ईयर में करेंगे और दूसरी कोई रिसर्च वगैरह करेंगे। These are ectoparasites and suck whole blood from the patient. ठीक है, कौन सा हूँ ये बाकायदा इलाज भी इसका चलता है, चाइना में भी किया जाता है, जापान में भी किया जाता है और बैंकॉक में भी किया जाता है। ठीक है, क्या कि जिसना हमारे पास कपिंग है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से हजामा जिसे कहते हैं, कपिंग करना कहते हैं, तो कपिंग क्या करती है, वो हमारे उस एरिया से जहाँ भी हम कपिंग कर रहे हैं उस एरिया से गंदा खून खराब खून निकाल देते हैं। तो हम जोक को भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी भी एक अलग साइंस है, सुपर काम करते हैं। तो ये सवाल मरीम ने बोला इससे क्लास और देता और कि आगे से स्लाइड चला दें, मेरी लाइट चली गई। अच्छा तो बेटा तुम्हारी लाइट चली गई कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, तो भी बेटा वो चलेगा ना, अपलोड हो जाएगी, आराम से देखना। ठीक है, घबराना नहीं है बच्चे। ठीक है जी, तो ये भी हम करते हैं। अ फ्यू एंटिटीज आर आल्सो कैरियर ऑफ सम डिजीज, बहुत कम ऐसे हैं जो डिजीज के कैरियर हैं। ये हमारा जो काम है वो आज अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी मैंने क्लास नहीं ख़त्म की, एक्चुअली जहाँ तक मेरा काम मैंने किया था वो ओल्ड हमारा फॉर्मेट था, और अब हम न्यू फॉर्मेट की तरफ जाएंगे आपको देकर, और न्यू फॉर्मेट में हम आगे अपनी जी, तो हम न्यू फॉर्मेट में आपको पहुँचते हैं। ये हमारा न्यू फॉर्मेट है, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट लेते हैं जी फ्रॉम माय साइड, और उसमें सामने नया फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोड्स। एनिलीडा में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिला और दो शॉर्ट क्वेश्चन मिल गए। सर अब क्या है, घबराना तो नहीं है लेकिन पीछे गाड़ियों की आवाज़ है। किसके पीछे गाड़ियों की आवाज़ है, मेरी मेरे पीछे नहीं जी, मेरे पीछे तो नहीं, स्क्रीन तो शेयर स्क्रीन ब्लैक आ रही है। अरे भैया स्क्रीन मेरी ब्लैक क्यों हो गई, अब भी नहीं दोबारा करते हैं, घबराना नहीं है भाई, कोई ना कोई मसला रहता ही है। क्लिक किया जी और शेयर किया, शेयर क्या मुसीबत है भाई, क्यों पॉज हो रही है, चलता रहता है जी, हम क्या करें। तो अब हम मेरे पीछे गाड़ी की आवाज़ नहीं, बस ही कोई शोर वोर कहीं से हम कभी आ जाता पास से,
देखिए नेक्स्ट फाइलम है हमारा, और ये फाइलम भी हमारे काम आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है सिर्फ, लो जी यमुना ये भी कोई बात है यार, तुम तो नाराज ही हो गए कि जी अनविदा के बाद मोलस्का है तो आप आर्थ्रोपोडा क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बेटा मोलस्का ही पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा ही पढ़ेंगे, घबराना नहीं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम मोलस्का पढ़ लेंगे बेटा वर्ड। अच्छा इसका पहले हम याद ध्यान में रख लें कि आर्थ्रोपोडा में भी हमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम एज इट इज, जैसे एनिलिडा का पूछा गया ना, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स या डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोड्स एंड देयर क्लासेस। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा में हमारी बुक में जो पूरी उसकी क्लासेस है वो सब छह क्लासेस ना, तो हमने छह क्लासेस को नहीं लिखना, हमने तीन क्लासेस को डिफाइन करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ क्लासेस लाइक फर्स्ट क्लास जो उसकी वो हमारी छोटी सी है, तो आपने वो नहीं लिखनी, ठीक है। जो नॉर्मल क्लास लाइक इंसेक्टा है और मायरीपोडा है, या हम कह रहे हैं कि हमारी आर्किडीटा है, इस तरह की जो बड़ी अच्छी नॉर्मल क्लासेस हैं उनके बारे में लिखिएगा। अब अक्सर बच्चे मेरिस्टोमाइटा लिख कर आ जाए और बोलेंगे हमने तो पूरा कर लिया, तीन क्लासेस बोली थी तीन क्लास पूरी कर लिया, तो वो हमारी नजर में जरा अच्छा नहीं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में हमने वही करेक्टर्स करने और फिर इसके बाद क्लासेस, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी आए। हाँ जी मतलब बॉडी वॉल जो है ना वो मिस्ट क्यूटिकल नहीं होगा, वो आपकी स्पेलिंग हमारी है आगे पीछे होगी, तो क्यूटिकल की लेयर जो होती है वो वहाँ मौजूद है स्पिंडल, और मसल जो होते हैं वो दो तरह के हमें नजर आते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लैटरल चार्ज, ये है ना। अल्लाह भला कर, अरे भैया ये रिंग है ना, रिंग शेप थी ना, तो रिंग शेप में हमारे पास जो मसल्स हैं वो मौजूद होते हैं, और ऐसा तो ये उसका सेगमेंट है, ठीक है। तो सेगमेंट के अंदर एक रिंग शेप के सर्कुलर मसल्स होगा, ये मसल्स होगा, और इसी के साथ लॉन्गिट्यूडनल यानी कि सीधे वो चल रहा है, तो उन्हें आप लॉन्गिट्यूडनल में चल सकते, ओके जी। आगे चलते हैं आर्थ्रोपोड्स के करेक्टर्स की तरफ, और आर्थ्रोपोड के करेक्टर्स में हम बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा वो एज यूजुअल ग्रीक वर्ड है जिस में दो वर्ड्स को यूज किया, आर्थ्रो, आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड, जोड़दार, जोड़ लगा हुआ, और पोडा, पोडा मीन्स होते हैं लेग्स, पांव, इनके पांव जोड़दार हो, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। अपेंडिजेस, अपेंडिजेस हम पांव उर्दू में कहेंगे ना अपेंडिजेस को, तो अपेंडिजेस के लिए भी हम पैर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लार्जेस्ट फायदा, अच्छा इसका एक सवाल पहले शुरू में ही हम आपको दिखा दें, मेरा ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पेज नंबर 213 पेज नंबर 213 हो गया जी, पहुंच गया 213 पर आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है,
जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखा और उस सर्किल में इंसेक्ट 75% ओवर 85000 स्पीशीज। और दूसरी साइड पर आपको नंबर 1 2 3 4 5 6 के बारे में लाइक अदर आर्थ्रोपोड्स कॉर्डेटा इकानो मोलस्का ऑल वॉर्म्स और पॉलिफर। ठीक है बेटा, ये चार्ट अगर आपसे बोला जाए कि जी एनिमल्स क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके ऊपर ही लिख लीजिए, ड्रॉ अ चार्ट टू शो diversity of kingdom animality, draw a chart to show diversity of kingdom animality। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट बना दें, चार्ट बोला ना, कुछ नहीं बनाए। पेज नंबर बेटा 213 ठीक है, ये सिर्फ चार्ट बनाने। इस चार्ट में आपको दिखाया हमने कि अगर हम अपने पूरे एनिमल्स को देखें तो होल सोल एनिमल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा है, जो किसकी है, आर्थ्रोपोडा की। इसीलिए फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, दुनिया में सबसे ज्यादा एनिमल्स बिलोंग करते हैं टू द फाइलम आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स की जो क्लास है उसमें 75% अगर हम एनिमल्स की बात करें तो 75% कौन है, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े आप बेशक कह लें उनको, लेकिन इंसेक्ट की उर्दू में जो मीनिंग होती है वो बनती है हशरात। ये उर्दू की मीनिंग बनती है इंसेक्ट की। ठीक है, वो मीनिंग बनती है हशरात। तो पूरी दुनिया के जो एनिमल्स हैं उनकी सबसे बड़ी तादाद हमारे इंसेक्ट्स की है। और जो दूसरे आर्थ्रोपोड है वो 8.0% इसका मतलब 75 इंसेक्ट को मिला दें और 8% हम आर्थ्रोपोड को मिला दें तो टोटल बन गया 83%। तो 83% कौन हुए दुनिया में, सिर्फ आर्थ्रोपोड हुआ। कॉर्डेटा जो हम बहुत बड़ा फाइलम समझते हैं, बहुत वर्टेब्रेट्स हैं, वो सिर्फ 4% हैं। इकानोटोमेटा दुनिया में 0.5% हुए। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, क्योंकि ये 8% है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा में 83% और उसके बाद जो सबसे बड़ी फिगर है वो 8 है जो कि मोलस्का। ऑल वॉर्म्स एनली नीमाटोडा प्लैथियर मैंथिस उनका टोटल कर लें आप 3%, पॉलीफेर और नाइडेरी मिलाकर 1.5% बनता है। ये स्पीशीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, हाँ अजान तो नहीं निकल गई, मैं तो ध्यान ही दिया, सॉरी यार। क्वेश्चन के एंड में एनिलिडा कहाँ चले जाते हो बच्चे, कौन से क्वेश्चन के एंड में, क्वेश्चन के एंड में एनिडा है, कौन से क्वेश्चन के एंड में, कहा दोबारा बात करो भाई, कौन से क्वेश्चन के एंड में जा रहे हैं। नहीं, एनिडा नहीं भाई, एनिमेलिया बेटा, एनिमेलिया। देखूं क्या, ड्रॉ अ चार्ट
टू शो द डाइवर्सिटी ऑफ फाइलम किंगडम एनिमेलिया ठीक है। अरे ये लो क्वेश्चन बताओ, ये था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट बनाना है जो आपके पास बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप चाहें इसको गोल बना दें, चकोर बना दें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन परसेंटेज 75 ले लीजिए। अगर चकोर बनाएंगे आप सपोज, तो उसके तीन बॉक्सेस में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 को ऐड करेंगे और बाकी तीन बॉक्स जो उसके रिमेनिंग है वो फ्री रहेंगे। एक बॉक्स में आपके आ जाएगा पूरा पार्ट अदर एनिमल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये मोस्ट 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 लार्जेस्ट फाइल है। सवाल आ गया जी क्या? अच्छा थैंक्स, ओके ओके ओके, थैंक्स थैंक्स, बहुत शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। सीधा बड़ा चार्ट जो है वो पेज नंबर 213 पर। हाँ कोई मसला नहीं, किस कनेक्ट हो गए क्या हुआ पूछ लिया करो भाई, सवाल पूछने हैं तो बार बार पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हैबिटेट इनकी ज़बरदस्त होगी क्योंकि भाई हमारी पूरी दुनिया में फैले में ही। तो दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड अडॉप्टेशंस, इनकी स्पेशल वैरायटी है, स्पेशल अडॉप्टेशंस हैं इनके पास, उन्होंने अपने आप को चेंज किया होगा। डेट अलाउ देम टू लिव इन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स लाइक सी, फ्रेश वाटर, ऑन लैंड, ऑन सरफेस, बिलो द लेवल ऑफ द सी एंड एट द हाइएस्ट highest peak even in the oil wells। यानी आप each and everywhere कोई ना कोई इंसेक्ट आपको मिल जाएगा। बल्कि अगर आपको याद हो या कोई मुहावरा सुना हो कि जनाब आपका जो कॉकरोच है वो नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर मिल जाएगा। इवन आपको क्या लिख रहे हैं हम कि जी इंसेक्ट जो है हमारे ऑयल वेल्स, ऑयल के जो कुएं हैं वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब इनकी वैरायटी बहुत दूर तक फैली हुई, ठीक है जनाब। अब वो बहुत सारे बच्चे आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं शायद डाइट और उसका, तो डाइवर्सिटी जो है वो बड़ी ग्रेट है इसकी। और इस फाइलम में हमारे पास ये नंबर तो समझ लो बहुत छोटा ही है आज के ज़माने में, क्योंकि तो हमारी बुक बहुत पुरानी है, लेकिन बहरहाल हम इसे याद करें 10 लाख के करीब स्पीशीज हैं जो जिनको वो जानते हैं ना। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट देयर मे बी मोर देन, ये नहीं जानते हैं, 30 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। उनमें 30 मिलियन के करीब तो शायद तो हमारे एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट हैं। आर्थ्रोपोडा मे बी द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द एनिमल्स, बड़ी बड़ी बहुत ही जबरदस्त इनकी जिंदगी को कवर करने के लिए या जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हुए इन्होंने मॉडिफाई होकर हर जगह पहुंच गए। मक्खी अमेरिका में भी है, ऐसी बात नहीं कि मक्खी मच्छर अमेरिका में नहीं, हर जगह, ठीक है। तो मे बी कि आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी, कल हम इसको और आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे आर्ट रिपोर्ट से करेक्टर्स के साथ हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दें, और एक क्वेश्चन अभी हमने बताया, एक लॉन्ग क्वेश्चन। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में फिर हमें चार्ट नहीं बनाना होगा, याद रखिए, ठीक है।
लॉकडाउन क्वेश्चन में हमने सिर्फ करेक्टर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड देयर क्लासेस, फोक्स की क्लासेस ही करेंगे। क्लियर जी, कोई बात है तो पूछ लें, वरना हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। जिसको जाना है वो हमारी दुआओं के साथ जाए, अल्लाह ताला उसको कल और आने वाले वक्तों में खैर खैरियत से रखे, तो हमारी इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी हर चीज़। अलीश भाई बेटा जी क्या हुआ सर, अगर आपकी आवाज़ ठीक है तो मेरी रिकॉर्डिंग लेक्चर लूँगी उसमें सही आएगी। हाँ रिकॉर्डिंग लेक्चर में तो आपको सही आएगी, लेकिन आप कल मैंने आपसे कहा कि आप जरूर कोशिश करके अपना टाइम बना कर यहाँ आ जाएं, ठीक है। तो आकर आप अपने डिवाइस को ले आइए, और डिवाइस लाकर फिर आप उसको यहाँ चेक करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगा, मेरी आवाज़ आप तक सही नहीं जा रही तब भी मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अरे भैया ओके जी, सबने हमें ओके कर दिया, अल्लाह हाफिज कर दिया, ठीक है जी, तो अल्लाह हाफिज।